नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज। अब आपको पैक किए हुए आटा, पनीर और दही जैसी रोजमर्रा की चीजों पर 5% की दर से टैक्स चुकाना होगा। इसके साथ ही 5,000 रुपए प्रतिदिन से अधिक किराया वाले हॉस्पिटल के बेड पर भी अब 5% का कर देना होगा। इतना ही नहीं, 1,000 रुपए रोजाना से ज्यादा किराए वाले होटल के कमरों के अलावा मैप, एटलस और चार्ट्स पर अब 12% की दर से GST देना होगा। पिछले महीने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली GST काउंसिल ने टैक्स छूट वाले सामानों की सूची छोटी कर दी थी। काउंसिल ने कई चीजों और सेवाओं पर नए कर लगाने का फैसला किया था। साथ ही काउंसिल ने अब छपाई और लिखाई में इस्तेमाल होने वाली स्याही, चाकू और ब्लेड, पेंसिल, शार्पनर, LED लैंप, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट आदि सामानों पर मौजूदा 12% की GST को बढ़ाते हुए 18% कर दिया। GST काउंसिल के इस फैसले के खिलाफ शनिवार को दिल्ली में थोक और खुदरा अनाज मंडियां बंद रही। इस दौरान नरेला, बवाना और शहर के अन्य हिस्सों में थोक अनाज मंडियों में सन्नाटा पसरा रहा। शहर की कई खुदरा अनाज मंडियां भी बंद रही। GST काउंसिल के निर्णय के अनुसार चमड़े के सामान और जूते के निर्माण के संबंध में जॉब वर्क पर GST 5% से बढ़ाकर 12% कर दी गई है। इसके अलावा रोड, पुल, रेलवे, मेट्रो, अपशिष्ट उपचार संयंत्र, श्मशान घाट पर कार्य अनुबंध की दरें बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। पहले इन पर 12% GST लगता था। काटने वाले ब्लेड के साथ चाकू, कागज के चाकू, पेंसिल शार्पनर और उसके लिए ब्लेड, चम्मच, कांटे, करछुल, स्किमर्स, केक सर्वर आदि पर भी 18% GST चुकाना होगा। GST दरों के लगातार बढ़ाए जाने और नए नए उत्पाद शामिल किए जाने की वजह से GST कलेक्शन बढ़ता जा रहा है।